अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने सहित महिलाओं युवतियों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम के दिशा में स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में लिस्ट और आविष्कार फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय कला उत्सव एवं विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज स्थानीय समदरिया होटल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी एवं आविष्कार फाउंडेशन द्वारा आगामी 7, 8 तथा 9 अक्टूबर को करवा चौथ एवं दिवाली त्योहार के परिपेक्ष में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कला एवं उत्सव 2022 कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उद्यमियों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी कार्य करना है, ताकि ये आयोजन अनेक आयामों में उपयोगी सिद्ध हो सके। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम की तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों एवं जेल प्रशासन के सहयोग से महिला बंदियों द्वारा बनाई गई हस्तकला सामग्री को शामिल किया गया है, जो कि इस कला उत्सव में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगी। आइए सुनाते हैं आयोजकों का क्या कहना है। विगत वर्ष हम लोगों ने रीवा में एक पहल की थी, लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी ने, वो संस्था जो हमेशा सामाजिक काम करती आई है विगत 6-7 वर्षों से, उसने एक पहल की कि हम महिला उद्यमियों के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिसमें उनको भी लाभ मिले, उनको भी फ़ायदा हो। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जो पहली बार किया, उसका परिणाम इतना अभूतपूर्व मिला कि रीवा में एक यादगार आयोजन रहा, जिसकी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष जी ने की थी, कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, और रीवा के सभी जनप्रतिनिधि समाजसेवी उसमें शामिल रहे। और जो निःशक्त बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे थे, उन्हें यह अवसर मिला कि वो अपनी कला को समाज के बीच ला सके और उन्हें निःशुल्क वो प्लेटफॉर्म दिया गया। साथ ही साथ वो महिला उद्यमी जो अपने हाथ से जो चीज़ें बनाती हैं हस्त निर्मित, उन्हें भी मंच प्रदान किया गया। इस प्रकार से एक नया टैलेंट निकल के आया। और हम ये जान रहे हैं कि करवा चौथ और दीपावली आने वाली है। विगत वर्ष भी दीपावली और करवा चौथ के पहले आयोजन किया गया था 2 दिवसीय, इस बार ये आयोजन 3 दिवसीय है। और इस बार का आयोजन में एक और चीज़ जुड़ी है, विज्ञान मेला की। विज्ञान मेला के माध्यम से लोग साइंस पे बात करेंगे, साइंस से संबंधित चीज़ें लोग जानेंगे और उस पर प्रदर्शनी लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है, दीपावली और करवा चौथ फेस्टिवल में जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बाहर से हम चीज़ें खरीदते हैं, बाहर के लोगों को प्रॉफिट होता है, उसमें हमारे लोकल शहर के लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे पिछली बार जिला प्रशासन और कलेक्टर सर ने एक मुहिम छेड़ी थी लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत, जो हमारे हस्तनिर्मित दिया है उनको खरीदने के लिए दीपावली में, उसी प्रकार से हम लोग की भी ये पहल है कि जो हमारे रीवा के व्यवसायी हैं, रीवा के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों से अपना काम चलाते हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको प्रॉफिट हो। इसलिए कला उत्सव का ये आयोजन लेक्स यानी लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी और आविष्कार फाउंडेशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इस बार ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच में लेक्स की सचिव सोनाली श्रीवास्तव जी हैं, नीलांजना पांडे जी हैं, आविष्कार फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा जी हैं, अंशुमन गुप्ता जी हैं, साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल के सदस्य जिनकी अहम भूमिका है कार्यक्रम की, जेपी गुप्ता जी, शिवम सिंह जी, वो भी इस कार्यक्रम में हैं, और एक पूरी टीम मिलकर के ये आयोजन शहर में करने जा रही है 7, 8, 9 तारीख को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। एग्जीबिशन की शुरुआत हमने 1 महीने पहले कर दी थी। 1 महीने पहले से हमने सोशल मीडिया पे और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि हमारी जो भी स्टॉल्स हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टॉल वहाँ पे 29 हैं, जिसमें से 6 स्टॉल हमारे NGOs के हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें आपका सीधी का भरतपुर क्राफ्ट भी इंक्लूडेड है, रीवा का स्नेह सेवा संस्थान, राजरानी सेवा संस्थान, लक्ष्मी एजुकेशन जो हमारे यहाँ पे खुद दिव्यांग बच्चे, और अंकुर पाठशाला में जो स्लम बस्ती में ट्रेनिंग चलती है। हमने सेंट्रल जेल में भी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, 110 महिलाएं थीं, उनके स्टॉल रहेंगे, और जो पब्लिकली स्टॉल्स इन्वॉल्व किए हैं क्राउड के लिए, कि वहाँ पे जो क्राउड आएगा तभी लोगों की सेलिंग होगी, लोगों के बारे में जानेंगे कैसे कि अगर दिव्यांग बच्चे भी हैं किसी के यहाँ तो वो क्या काम कर सकते हैं, उनके लिए लोगों के मन में जो अलग अलग धारणाएँ हैं, मतलब मिसकंसेप्शन है कि यदि बच्चा दिव्यांग है तो वो कुछ कर नहीं सकता, वो घर वालों के लिए एक ऐसा हो जाता है कि हमें उसको जीवन भर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देनी है, तो ये सारी चीज़ों का एक मोटिव रहता है कि वहाँ पे स्टॉल्स में बच्चे ही सेलिंग करते हैं, बच्चे ही आपको प्रोडक्ट देंगे, बच्चे ही टोटल करेंगे सारी चीज़ें, तो एक अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो टोटल मेरे वहाँ पे 28 स्टॉल्स हैं जिसमें पब्लिक लेडीज़ें मोस्टली हैं, जो हैंडमेड पेपर्स, आपका जो यूज मतलब वेस्ट पेपर होता है उससे होम डेकोर का सामान बनाती हैं, पूरी वो चीज़ें हैं, ज्वेलरी जो बनाती हैं वो है, पेपर मैशी इस टाइम पर बहुत चल रहा है,
पेपर मैशी का काम है, पीओपी का काम है। इस तरीके के साथ में दिवाली और करवा चौथ को देखते हुए करवा चौथ की थालियाँ, वुडन थालियाँ, एमडीएफ स्टील के करवा चौथ के सेट और ड्रेसेस का भी स्टॉल्स है वहाँ पे, और फूड स्टॉल्स भी उसमें इंक्लूड रहेंगे जिसमें रीवा की जो भी आपकी फेमस ऑथेंटिक डिशेज़ हैं वो भी रहेंगी, और हमारे टी, कॉफ़ी, मैगी, ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो आगे चल करके खुद भी इन बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं, तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने लगाया था, इस साल भी फूड स्टॉल हमारा सारा जो घर से महिलाएँ करती हैं और बच्चे करते हैं वही लगा रहे हैं वहाँ पे। मैम इसमें कुछ पुरस्कार भी रखा गया है, तो इसके बारे में क्या? जी सर, जो लास्ट डे है, जैसा कि सर हैं आविष्कार फाउंडेशन से, उनके साइड से ऑर्गेनाइज हो रही है साइंस एग्जीबिशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों को शुरू से लेकर के 12th क्लास तक बहुत मुश्किल है कि कभी लैब दिखाई जाती हो, कभी प्रैक्टिकल कराया जाता हो, तो ये हमारा एक प्रयास है कि हम बच्चों को वहाँ पर साइंस से रूबरू कराएँ, वो खुद प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उनको ला करके रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे वो मूव करता है, कैसे उसमें करेंट पास होता है, इन सारी चीज़ों को करके एक मॉडल प्रेजेंट करेंगे, और वहाँ पे उन्हें जूनियर लेवल में और सीनियर लेवल में पुरस्कार भी दिए जाएंगे, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, तब उसको इन फ्यूचर ले जा करके वो भी एज अ साइंटिस्ट के रूप में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। सर अगर इसकी डिटेल्स बता सकें तो। अध्यक्ष राजेश शर्मा जी हैं, विगत 2 वर्षों से तकनीक के क्षेत्र में और विज्ञान प्रयोग के क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें हमने अलग अलग तरीके से शिक्षकों के लिए कार्यशालाएँ, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएँ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई हैं। इस बार हमारे मन में विचार यह आया कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण बच्चे प्रायोगिक शिक्षा से काफ़ी दूर हो रहे हैं, उनका मोबाइल स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ रहा है, इसके लिए एक प्रयास ये है इस दिशा में कि बच्चे प्रायोगिक और अनुभव आधारित शिक्षा पर फोकस करें, बच्चे जो पढ़ते हैं उसको करके सीखें। अगर हम भारत सरकार की नई शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें भी इसी पर जोर दिया गया है कि बच्चे जो पढ़ते हैं उसको करें तो उनको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आएगा। इसी विषय में माननीय कलेक्टर सर से चर्चा हुई, उनने हमको आयोजन के लिए स्थान प्रदान किया तथा जिसमें हम शासकीय और अशासकीय दोनों तरीके के विद्यालयों को मिलाकर इस विंध्य विज्ञान मेले को प्रथम चरण में आयोजित कर रहे हैं। द्वितीय चरण में हम सभी विद्यालयों में क्लब की स्थापना करेंगे, जिसमें बच्चे नवाचार करेंगे और नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और देश विदेश के अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ में मिलेंगे और उनसे नई चीज़ें सीखेंगे। ये जो आयोजन है लक्ष्मी एजुकेशन ट्रेनिंग सोसाइटी और आविष्कार फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है फेस्टिवल का, और जो विज्ञान मेले का आयोजन है इसका मुख्य उद्देश्य अभी अंशुमान सर ने बताया, तो हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य है कि विंध्य के जो छात्र हैं वो कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए, उनके अंदर विज्ञान और तकनीकी की समझ इतनी ज़्यादा विकसित हो जानी चाहिए कि जैसे आज चाइना को देखें और जापान को देखें तो ये एक ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, मतलब तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे है। हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम विंध्य से इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि विंध्य के छात्र भी नए नए आविष्कारों को करें, नई नई चीज़ें डेवलप करें, विकसित करें और हमारा विंध्य आगे बढ़े, यही हमारा इस विज्ञान प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद। हम विगत मई से अंकुर पाठशाला को चला रहे हैं लक्ष्मी एजुकेशन ट्रेनिंग सोसाइटी और आविष्कार फाउंडेशन मिलके ये अंकुर पाठशाला को हम रन करते हैं, जिसमें हम कुछ स्लम एरिया के बच्चे हैं जिनको हम स्टडी मटेरियल स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं, और उनकी क्रिएटिविटी है जिस तरीके की जो बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिला है अंकुर पाठशाला, जिससे वो अपनी चीज़ों को बताते हैं। वहाँ के बच्चों में मतलब जिस तरह की क्रिएटिविटी हमने देखी है, जो वो करते हैं, ग्रीटिंग हो गया, उनकी स्टेशनरी हो गई, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये कला उत्सव में उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें।